तो नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो मैच के बारे में है और मैं लेट में पहुंचा था मैच में, तो आपको लास्ट के 2 ओवर के वीडियोस मिलेंगे स्टार्ट में, और उसके बाद हमारी बैटिंग हुई है तो चलिए देखते हैं मैच। अपने निजी स्कोर पर अभिजीत एक बार पुनः अपने कोटे की इंटेलिजेंट और इस इनिंग का 11 और खुशी जरूर की थी यहाँ पर सुबीन ने, लेकिन के हाथ से बॉल छटते हुई ओवर का समापन उतने महंगे साबित हुए हैं। यहाँ पर अभिजीत इस ओवर में अभिजीत ने मात्र 11 रन खर्च किए हैं, तो कमी लगता है मुझे जिस हिसाब से अन्य बॉलरों ने अजय को छोड़कर के सभी बॉलरों ने बेहतरीन यहाँ पर उतना अच्छा प्रदर्शन करने पाए। अब लास्ट इस इनिंग की लास्ट गेंदबाजी यानी कि अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा? अरुण कुमार, अरुण जिंकवार। अब देखते हैं अरुण अभी तक मात्र एक विकेट का पतन हुआ है। ये इससे पहले भी शायद कई बार हमने देखा, कल के मैच में देखा था कि 10 या 9 विकेट से एक मैच जीता गया था अंतिम ओवर। अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाज सोचा भी था लेकिन सबसे बाहर जाई गेंद, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी और तीन बोल हो गई। मिडिल स्टंप बोल श्री गिल्लिया और विकेट बिखरता हुआ खुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। विपिन बेहतरीन तरीके से वापसी थोड़ा सा ऊपर जरूर की है अरुण ने, पहली गेंद पर विकेट चटका दिया ऊपर विपिन का। अभी भी स्कोर थमा हुआ 165। क्या 170 का टारगेट पूरा कर पाएगी पोखने का दस इस मैदान के ऊपर, जो 170 का सबसे हाईएस्ट टारगेट है। जो मैक्रो देखा था खेमा है काफी थोड़ा सा मायूस जरूर होगा कि आसान नहीं होगा इस सेकंड इनिंग में आपको 170 या 160 प्लस का टारगेट पूरा करना। रोबी आप तक जब आपके पास उतनी अच्छी आप गेंदबाजी नहीं है आपके पास, क्या बल्लेबाजी उतनी बेहतरीन आप कर पाओगे? अरुण लोकल टीम है हमारी, हवाले गेंद जरूर है मनीष टॉस कर रहा था लेकिन उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया उतना अच्छा, लेकिन उन्हें जो पहला ओवर कराया था 5-6 5 छक्के लगे उनकी गेंद पर और उसे काफी मायूस लग रहे हैं कि शायद मैंने पहले ओवर में 5 छक्के दिए और 36 रन दिए, सबसे महंगे खिलाड़ी। आइडिया नहीं आया ना उसको। एक बार पुनः अरुण फिर खेल गया उसे और खिलाड़ी मौजूद और आसानी से एक रन पूरा कर दिया, स्कोर जा पहुंचा 167। क्या 3 रन जो 170 का टारगेट है पूरा हो पाएगा? वो कई बार होता ना कि स्कोर बोल हो जाए अन्य क्षेत्रों में, कई बार कोई मिथक तोड़ ना तो क्या वो तोड़ पाएंगे? कई बार सचिन तेंदुलकर ने तोड़े हैं, रिंदु सहवाग ने तोड़े हैं, एबी डिविलियर्स ने तोड़े हैं। एक बार पुनः और फिर खेल जाए तो सीधा बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही है शायद अंपायर का डिसीजन शायद 4 रन का, और इसी के साथ ये 170 का स्कोर पार किया पोखरी का दस ने, पोखरी का दस ने 173 है शायद 2 ओवर चाहिए, क्या वो 2 रन बन पाएंगे? काफी करीब उस 2 रन के। एक बार सुना अरुण और नीचे रहती हुई गेंद खेल जाए वहां पर 1 रन पूरा किया, ग्राउंड के भाग रहे हैं शायद मना कर दिया पर खिलाड़ी स्ट्राइक छोर से 172। क्या 1 रन बना पाएगी टूकने का दस इस टीम में आज की इस इनिंग में और 173 का जो सबसे हाईएस्ट स्कोर कुमारी का दस ने बनाया था 172 एक टीम ने बनाया था, तो क्या वो आज पूरा कर पाएगी? अब इस ओवर का अगला गेट और शायद रन आउट और इस प्रकार ओवर का समापन हुआ। जो स्कोर था 173 का वो तोड़ नहीं पाई पोखने का दस, मात्र 2 रन से दूर रह गई
काफी दूर से आए हैं। 173 आपको जीतने के लिए चाहिए मैकूटे गैस को। हमारे सीमांत क्षेत्र से सटा हुआ गांव 100 डेमरों की जस्ट पूरा दिशा में टोकनी गांव उतना बड़ा गांव नहीं है, छोटा सा गांव है। जवाब नहीं लगता कि 400 और 300 या 500 की आबादी होगी और वहां से ये न्याय जो बोलो अब आओ। उसके बाद कल जो अंतिम लीग खेला जाएगा बॉल यहाँ छा भी आसान नहीं होता है इस गेंद को पकड़ना। अच्छी गेंदबाजी आप लाइन और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड विकेट आप बॉलिंग कर रहे हैं 11 नंबर की जर्सी में काफी अच्छी धूप खिली मैदान के ऊपर खेल आशीष ने मारना चाहते थे उसने अच्छी शॉट आई नहीं गेंद और बल्ले के बीच लेकिन फिर भी आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इस प्रकार स्कोर अभी भी थमा हुआ 2 रन और आशीष के बल्ले से अपना स्कोर 2 रन हमारे सीमान क्षेत्र बहादुर गोखनी से जस्ट नगर के गाँव ग्राम पंचायत और अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद सभी जो खिलाड़ी हैं चुस्त दुरुस्त गोखनी का रथ के गाँव स्तरीय इस टूर्नामेंट का बेहतरीन आयोजक खिलाड़ी भी बड़ा उत्साह रहता है और फिर टीम उत्साह आ जाती है। आपकी निर्णायक की भूमिका में पीयूष और प्रदीप भंडारी और ये बेहतरीन खेल लिख रहा तू जब पहले के तो बोल हो गए और हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं श्री द्वितीय मैच की श्री उदय सिंह रावत जी कॉन्ट्रेक्टर उन्होंने हमें कमेटी के लिए 2100 रुपए की राशि प्रदान की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेटी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है कि आपने हमें एक सहयोग राशि प्रदान की और आपका आभारी है पूरी कमेटी की आपने हमें सहयोग किया और आप हमारे भी चाहे बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार पुनः मैं मैदान की ओर आपको ले जाता हूँ। लाइव प्रसारण के लिए पहले विकेट का बटन हो चुका है बल्लेबाजी के रूप में पहली बार तू कर जानो और बाहर जरूर थी कई गेंद शायद अभी तक थोड़ा सा अगर 4 रन जा सकता था लेकिन प्राकृतिक बाधा से बॉल रुकता हुआ ओवर का समापन पहले ओवर का समापन आपको लगभग 15 रन के हिसाब से बनाने हैं पर ओवर लगभग तो आपको पहले ओवर से ही यानी कि हर ओवर में आपको 2 चौके और शायद 1 छक्का तो लगाना ही पड़ेगा और वाइट और नॉर्मल तो आपको कई बार मिल जाती है क्योंकि वो तो हमारा जो मैदान है प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा छोटा है लेकिन काफी अच्छी मिट्टी यहाँ पर है उतना मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी उबड़ खाबड़ नहीं है मैदान के ऊपर और मिट्टी उतनी उछाल भरी नहीं है काफी मेहनत की है वहां पर हमारी कमेटी की टीम ने। राकेश थैंक यू साकिब बॉलिंग के रूप में राकेश गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए नीचे रहती हुई गेंद ऑफ साइड में थोड़ा बाहर जरूर थी और 28 ओवर मेरा लेकिन किस्मत की धनी और बल बल बच गए
जिंदगी में हमारे भी जितने भी बाहर से लोग पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत कमेटी की ओर से बहुत बहुत सहयोग और धन्यवाद। आप मैच देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से और से बाहर थी मारना उसी स्टाइल में चाहते थे किससे पहले किया था बोल्ड हो गए हैं घोषित किया गया है। तो ये आपके लिए किस्मत है कि आप वापस फिर क्रीज पे आओगे क्योंकि आईसीसी के नियम के तहत जो नए नियम है नौ बॉल होगी तो आपको फ्री मिलेगा। अबे ठीक है और हिट में जो नौ बॉल होती है ना जो एक बल्लेबाज के लिए बहुत सुनहरा मौका होता है आपने अंतरराष्ट्रीय नौ बॉल में फ्री हिट में बड़े छक्के लगते हैं बड़े बड़े क्योंकि बल्लेबाज फ्री हो जाता है उसमें सिर्फ हमें कैच होना नहीं है गोल हमने होना नहीं है आप सिर्फ देख लो अपने आप का कंडीशन में कि आप रन आउट कर सकते हैं बल्लेबाज को बॉटम चांस होता है कि आप रन आउट कर पाओगे बल्लेबाज को वही फ्रीट है एक बार सुनाओ और उसे फिर फ्रीडम में खेला हुआ ये शॉट ऑफसाइड की थोड़ा बाहर जरूर थी और आसानी से एक रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने हल्के हल्के कदमों से। मैदान के ऊपर इवनिंग का टाइम है संध्या का अलग समय है तो नमी भी रहेगी मैदान के ऊपर। कई बार आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर देखा कि जब शाम और सुबह का मैच होता है माफ कीजिएगा नाइट का डे नाइट का मैच होता है तो ओस मैदान के ऊपर जाती है तो गेम को आसानी से आप फील्ड के ऊपर डाल नहीं पाते हैं यदि बॉल हाथ से फिसलती है अभी तो है नहीं नमी है सिर्फ होश है नहीं है टू नहीं है अभी ये हमारी पहुंची। तो ये हमारा जो टूर्नामेंट लोकल हर बार खेला जाता है इन्हीं सीजन में खेला जाता है क्योंकि हमारे जो खेत हैं और जो हमारे प्राकृतिक जो श्रीनुमा खेते हैं उनमें इसी पोजिशन में इसी समय में खाली रहते हैं हमारे तीन चार महीनों के लिए और इसके बाद इनमें गोबर डाला जाएगा खाद डाली जाएगी और इसमें बुआई और निराई होगी। एक बार पुनः खेल जाओ से शायद बाउंड्री के बाहर नेहरा के बल्ले से निकला हुआ है मेरा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहा है टीम के लिए थोड़ा सा खुश जरूर होंगे मैच को देखा उसका खेमा चलो कम से कम कुछ तो लगा और कुछ तो मिल रहा है 12-12 ओवरों का ये मैच 173 रनों का जो लक्ष्य दिया गया है और फिर खेल गया वहां पर 4 ओवर मौजूद है थोड़ा सा बाउंड्री के अंदर फोर चार रन शायद यहाँ पर थोड़ा सा ढलान है वहां पर थोड़ा रन दिखाया कि बॉल आसानी से निकल जाते हैं होते हैं तो ये बाउंड्री की पहाड़ी जो निकल जाती है दूसरे ओवर प्रगति पर है और कम से काफी बाहर थोड़ा उनकी जो कैप्टन है उनसे जरूर निराश होंगे कि आप ऐसी गेंदबाजी ना करें क्योंकि पहला ओवर जो मात्र 5 रन खर्च किए थे यहाँ पर धीरज ने वो काफी महंगा यहाँ पर धीरज का राकेश का कौन होंगे इन्होंने ये तो दूसरे गर्भ में है। एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने मैच स्कोर चेंज किया स्कोर 20 रन तीसरा ओवर प्रगति पर रन जाल देना मतलब क्या बताइए अब ज्यादा रन भी नहीं मार देना ये दिमाग खराब होगा अपना अबे यार ये सीधा बॉल थ्रू में लेकिन वहां स्कोर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और आसानी से एक रन पूरा कर दिया और इस रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 21 रन बल्ले का भारी किनारा जरूर लिया था गेम में शायद अगर वहां दीवार ना होती या खेत का एरिया ना होता है भाई 4 रन जा सकता था अक्सर
बाउंड्री के बाहर गेंद निकल जाती है, लेकिन ये प्राकृतिक बाधाओं का रुकता हुआ धीरज और ये लगे सबसे बाहर अच्छी फील्डिंग वहां पर थोड़ा सा लगे सबसे बाहर जरूर जा रही थी, लेकिन बल्ले ने कोई साथ नहीं दिया, बट उनकी पैर